देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और इसने एक सालों से चले आ रही कानूनी लड़ाई का पटाक्षेप कर दिया। मतलब ये मुद्दा जो है, राम मंदिर का मुद्दा, ये देश के लिए कानून व्यवस्था का एक मुद्दा बना हुआ था और राजनीतिक दल भी समय समय पर इसका बेजा फायदा लेते रहते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही अच्छा है, आम जनता के हित में है, देश में एक अच्छा संदेश इस फैसले से गया है। उन्होंने बहुत क्लियरिटी कर दी है, निर्मोही अखाड़े का क्लेम खत्म कर दिया, शिया बोर्ड का क्लेम खत्म कर दिया, मंदिर के लिए बहुत स्थिति स्पष्ट कर दी, केंद्र सरकार को एक समय सीमा मुकर्रर कर दी कि 3 महीने आप एक ट्रस्ट बनाइए और 3 महीने में मंदिर की प्लानिंग लेके आप आइए। दूसरा कि मस्जिद को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी। आज यहाँ जो ज़मीन का बंटवारा होता, मुझे लगता है कि उसमें मस्जिद के लिए इतनी ज़मीन नहीं मिल पाती। अब उन्होंने कहा कि आप अयोध्या में कहीं भी बहुत अच्छे स्थान पर, एक सुटेबल प्लेस पे इनको ज़मीन दीजिए, तो 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद के लिए दे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही, और सबसे बड़ी बात है, देश के इतिहास में एक बड़ा ये हुआ कि एक मत से 5 जजों ने एक निर्णय ये सुनाया। तो 5 विद्वान जज जिन्होंने 40 दिन तक लगातार सुनवाई की, 1000 से ज़्यादा पन्नों का निर्णय है, निर्णय बहुत अच्छा है, देश की जनता के हित में है। और इस को मुझे लगता है कि मीडिया की भी अब ये जिम्मेदारी है कि वो इसको सकारात्मक रूप से जनता के सामने ले जाए। इस पर जो छोटी मोटी नेगेटिव रिएक्शंस आ रही हैं उसको प्रमुखता न दे, ये क्योंकि जो मेरा अनुभव रहा है कि देश के मुस्लिम आवाम ने भी इस फैसले को एक राय से स्वीकारा। वो कहते रहे कि अभी तक ठीक है, कानूनी लड़ाई थी, हमने लड़ी, लेकिन जब देश की सबसे बड़ी पंचायत का फैसला इसमें जो आ गया वो हमें मानना चाहिए। तो इतनी स्पष्टता जब इकबाल अंसारी जैसा व्यक्ति दे रहा है, तो हमें निश्चित तौर पर, मेरा ये मानना है कि एक अच्छा फैसला है, सर्वग्राह्य फैसला है और यह देश के लिए एक आज माइलस्टोन हो गया है। प्रशासन की जो व्यवस्था थी, अच्छी व्यवस्थाएं थी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 दिन और बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी एक्शन की रिएक्शन जो है वो थोड़े समय बाद होती है, इसको समझने के बाद होती है। तो कुछ तत्व कोशिश करेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि प्रशासन और पुलिस को पूरी तरह सतर्कता बरतना चाहिए। धारा 144 शहर में लगी है, हम सबका, मीडिया के साथियों का भी दायित्व है कि हम भी जो है संयम बरतें और प्रशासन को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।